हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुकद्दस खान और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेकी मेनू व्लॉग्स। और मैं फिर हूँ एक बार अपने किचन में और मैं बनाने वाली हूँ अपना मुकद्दस स्पेशल सैंडविच, चिकन सैंडविच। गाइस, मैं अभी बिल्कुल अकेली हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही, बिकॉज इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। और मैं भी अकेले अकेले सैंडविच बनाऊँगी। तो गाइस, मेरे पास यहाँ कुछ चीज़ें रेडी हुई हुई हैं। पहली बात, मुझे शिमला मिर्च कुछ खासा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इसको थोड़ी सी काट रही हूँ, ठीक है। दीज आर द ब्रेड सैंडविच का चिकन है एंड वी हैव 33 किस्म की सॉस। सो इससे मैं कुछ बनाऊँगी चिकन सैंडविच। सो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो डू ट्राई और मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा फ्राई पैन और अभी इसके लिए सॉस रेडी होगी। पहले मैं सोच रही हूँ सॉस रेडी करूँ, क्या करूँ, कहीं समझ नहीं आ रहा। पहले जाए पहले मैं इसके ऊपर ये चिकन स्प्रेड लगा लेती हूँ, फिर हम सॉस रेडी करते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अभी दो मिनट चुटके बजाऊंगे तो हो जाएगा, देखना आप। ये देखें, जादू हो गया इसके अंदर, चिकन स्प्रेड में लगा चुकी हूँ उसके ऊपर। अब हम सॉस की बारी फाइनली आती है इसका। मैं हाई अल्लाह, तुमने खौफ बहुत आता है गाइस, मुझे से बड़ा खौफ आ रहा है। इसे पहले फाड़ा करें, मैं इस पर आ जाती हूँ। मैं तो आँख से ये देखी ऐसी होती है आवाज़। ओहो, मुझे लगा गैस नहीं है, मैंने बंद कर दिया। यार ये जीभ है यार, सारे मसले इधर ही होते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या। हाँ कहा आ गई फाइनली। अभी हम इसको धीमी आंच पे रखते हैं। यार ये क्या मसले हैं, ये ख़राब है। तो मैं धीमी आंच पे रखते हैं, फिर इसके मैं चीज़ें डालूंगी, फिर अभी आपको फिर जल्द दिखेगा। ये शिमला मिर्च आ गई है, अब इसके अंदर ये चिकन भी आ जाएगी। टड़ा यार, जाओ सारी जाओ, तो ये बड़े इश्यूज होते हैं, ठीक है। ये जब चिकन आ गई है, इसके अंदर हम सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। अभी इसको मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, फिर ऑयल भी ऐड करेंगे। वेट फॉर द ऑयल। मेरे पास ऑयल, तो इसको मैं, क्योंकि मैंने उसको फ्राई करना है, थोड़ा सा ऐड किया, ज़्यादा ऐड नहीं किया मैंने। इसको मैंने बंद कर दिया, ऑयल को यहाँ रख दिया। अब इसको मैं सॉस डालती हूँ। इस जगह को मैं कहीं पर भी ना लिटरली गलत लगूँगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे बोल दें, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मैं आपको ओपनली बता रही हूँ, ठीक। टिक्का मसाले की बारी है, ये चिकन टिक्का पाउडर, मैंने मसाला इसको मैं डाल रही हूँ टेस्ट फ्लेवर के लाने के लिए, तो बस होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर केचप ऐड होगी। मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मैंने क्लिप ही नहीं ऐड किया केचप होगा, इसे केचप ऐड हो गई है। थोड़ी बेवकूफ़ी हूँ मैं, क्या करूँ, मैंने क्लिप नहीं ऐड किया, पर क्या आप देख सकते हैं केचप ऐड हो चुकी है यहाँ पर। अभी मैं आपको इसकी पहले बिफोर लुक दिखाती हूँ, इसको मैं मिक्स करूँगी सही तरह फिट करके, फिर इसको आफ्टर की लुक दिखाऊंगी। मैं मिक्स की इसके अंदर मैं थोड़ी सी और केचप ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा। हाँ ये इसमें थोड़ी सी केचप और ऐड करूँगी, और चिकन टिक्का मसाला भी। इस बार मैं आपको केचप दिखा देती हूँ। क्या आवाज़ है, हाँ मैं ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये फ्लेवर क्या बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसकी ऐसी लुक आ रही है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑरेगानो ऐड करूँगी, ऑर्गन ऐड करके अब मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ। जादू गाइस, मैं सोच रही हूँ टेस्ट टेस्ट भी अभी दे दूँगी, फिर पाँच चले मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं भी चख रही हूँ। इट टेस्ट गुड। इसमें मैं थोड़ा सा चिकन टिक्का फ्लेवर और ऐड करना है। मैं पावर हो गई हूँ, मैं ऐड किए जा रही हूँ, क्योंकि खुले भी नहीं आ रहा ना भाई, क्या करूँ मैं। ये इसके अंदर ऐड होगा तो फिर ज़्यादा दिखने में रेडी हो। जादू हो गया, क्योंकि मैं क्या कहती हूँ, मैं नहीं खाती बाकी कुछ सैड वगैरह, तो मेरा ये एक्स्ट्रा चिकन सैंडविच ही बनता है। तो बस अब ये ऐसे होगा, अब मैं इसको क्लोज करती हूँ। अभी आपको क्या लग रहा है, रेडी है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इसको अपने तवे पर फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा रोस्ट तो करना है ना भाई, सैंडविच है। तवा रख चुकी है मेरा, मेरा सैंडविच थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर इसको मैं रखूँगी। मेरा देती हूँ, कितना मुश्किल है एक हाथ से ब्लॉगिंग करो, तो एक हाथ से ये करो। वाह वाह वाह, अब इसके मैं ब्लू बेरी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा यू नो आहा करके ये वाह, मेरे हाथ सारा सॉस लगेगा इस। ये अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं इसको निकालती हूँ। उसे पहले जल्द से बड़ी मुश्किलों से मैंने इसे रेडी कर लिया है। ये रहा मेरा एक्स्ट्रा चिकन सैंडविच और ये हो गया बिल्कुल रेडी। सो गाइस, मैं अब सीनियर के सोने जाने वाली हूँ, तो मैं आपको अपडेट नहीं कर सकती। तो मैंने सैंडविच खाया है, यू नो कल सुबह मेरा पेपर है, सो मेरे मॉक्स आ गए हैं, सो मैं सोने वाली हूँ। तो तब तक के लिए मैं आपको अपडेट कर लूँ कि मेरे व्लॉग कितनी देर ही हो गया। और अगर आपको मेरा सैंडविच अच्छा लगा तो ये रेसिपी डू ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी ट्राई करके अच्छी लगी या नहीं। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हम आपके बहुत सारे चैलेंजेस व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग्स, ट्रेवल व्लॉग्स लाएंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।